इंडिया की सबसे ऊंची भोलेनाथ की प्रतिमा है ये, लेकिन यह है करीब 1100 साल पुराना मंदिर। भले ये मंदिर हो, ये भी बहुत डरावना लग रहा है। यहाँ पर पोहा लेना है ना, युद्ध में जंग जीतने के बराबर है। चटोरों की गली है ये, लगी नहीं रहा नाथ द्वारा के अंदर घूम रहे। क्या बात है। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। तो 4:30 बजे हम लोग नाथ द्वारा से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। भूख अभी किसी को है नहीं क्योंकि हल्का फुल्का सब चलता जा रहा है। तो एकलिंग जी चले। तो चले जी, अब चलते हैं भगवान एकलिंग नाथ के, एकलिंग जी के। श्रीनाथ द्वारा से करीब 26 किलोमीटर दूर है मंदिर। हम लोग टाइम से फ्री हो चुके थे और वापस आके यहीं पे कहीं पे आसपास हम एक होटल ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारा कुछ फिक्स नहीं है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। तो आज क्या मेन तो भीड़ बहुत कम थी और हमारा वेटिंग टाइम बहुत कम था, 15-20 मिनट में मेरे ख्याल से नंबर ही आ गया था। और देखिए गाइस, भोलेनाथ की 350 फुट की प्रतिमा, मतलब इसको बोलते हैं इंडिया की सबसे ऊंची भोलेनाथ की प्रतिमा है ये। अब ये सच है या झूठ है वो तो गूगल करना पड़ेगा। इसके दर्शन हम या तो आपको कल सुबह कराएंगे या आज शाम को टाइम से फ्री हो गए तब कराएंगे। तो ये आ गए जी हम मेन चौराहे पर। यहाँ से सामने वाला जो मेन हाईवे है ना, उदयपुर वाला हाईवे, वो पकड़ना अपने को, तो करीब करीब राइट की तरफ मुड़ना है। गाइस, बाकी सब चीज सही है। मतलब मुझे एक चीज जो मतलब थोड़ा ओवर लग रही है ना, यहाँ पे हर 20-25 किलोमीटर में एक टोल मिल रहा है। अभी भी 155 रुपए का टोल लगा है भाई। थोड़ा ज्यादा, थोड़ा नहीं, मतलब काफी ज्यादा है यार। मतलब अभी हम मुश्किल नाथ द्वारा से 10-15 किलोमीटर आ गए हैं और 155 आने के, और अभी वापस जाएंगे तो 155 जाने के। तो 300 रुपए का टोल ये 20-25 किलोमीटर के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। तो शायद अभी जो जगह आई है वो है देलवाड़ा। देलवाड़ा है गाइस इस जगह का नाम, और साइड में है हमारे ठीक ठाक सी है साइज में लेक टाइप है। और यहाँ पर भी मैंने सुना है जैन मंदिर है। एक तो देलवाड़ा जैन मंदिर है, वो तो माउंट आबू में ऊपर काफी बड़ा। और यहाँ पर भी यार मैंने सुना तो था पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर है। देखते हैं, फिलहाल तो अभी आगे चलते हैं अपन एकलिंग जी के, क्योंकि वहां पर पट खुलने का टाइम हो रहा है भाई। देलवाड़ा के बाद जो गाइस रास्ता आएगा ना भाई, एकदम जंगल जैसा रास्ता है। मतलब इतना ज्यादा बिजी रोड नहीं है, और सबसे मेन चीज सर हरियाली बहुत अच्छी है यार। पूरा रास्ता ऐसा लग रहा है गाइस जैसे कोई जंगल के अंदर से जा रहे हैं, जैसे बहुत ही अलग सा है ये। देखिए, क्या पता आप लोग कैमरे में इतना फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बाकी बहुत खूबसूरत रास्ता है यार। देलवाड़ा के बाद से तो भाई रास्ता बहुत खूबसूरत है। बारिश के टाइम में गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को यहाँ पर आने का। मतलब आप समझ सकते हो क्या माहौल होगा, छोटे छोटे झरने निकले हुए होंगे पहाड़ों के ऊपर और इतनी शानदार हरियाली होगी। अभी तो इसमें गर्मी है। तो दोस्तों, फाइनली हम एकलिंग जी आ चुके हैं। और सामने देखिए जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ऊपर की तरफ देखिए गोल्डन कलर का आपको छत्र दिख रहा होगा, और यही महादेव का मंदिर है। 100% यही है। अंदर तो मेरे हिसाब से कैमरा अलाउ नहीं होगा, और ये मेन गेट के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। भाई बहुत ही पुराना लग रहा है यार ये। तो देखते हैं पार्किंग का है, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। यही है भगवान एकलिंग नाथ जी का मंदिर, इधर ही लगा दे गाड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई अलग से पार्किंग नहीं है। मतलब सड़क किनारे जहाँ पर भी आपको साइड में जगह दिखे ना, आप लगा सकते हैं, लेकिन साइड में दबा के। और ये देखिए जी, यही है वो प्राचीन मंदिर। अंदर शायद मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है, होगा तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे अंदर। इनके भी दर्शन आज ही लिखे थे। क्यों? हर हर महादेव। दर्शन एकलिंग जी के। तो गाइस, अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब फोन निकालना ही सजा के बराबर था, इसलिए हमने जहाँ पे नियम है वहाँ पे नियम है। तो चलिए यहाँ से लेके चलते हैं आपको एक नेक्स्ट मंदिर, सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहू मंदिर कहलाता है वैसे वो। और चलिए वहीं पे चल के बताते हैं उसके बारे में। अच्छा, एकलिंग जी के मंदिर के बारे में आपको बता दूं, जितने भी रावल, मतलब जितने भी महाराजा राणा वगैरह और जितने भी महाराणा प्रताप वगैरह थे, युद्ध में जाने से पहले यहीं पर आशीर्वाद लेते थे। मतलब इनके बिना तो कुछ भी नहीं, इधर का पत्थर इधर भी नहीं होता था। चार मुंह है मतलब शिवलिंग के, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक वो है सूर्य भगवान, मतलब सूर्य देवता के रूप में है। तो जो भी मेन चीजें थी मैंने आपको क्लियर कर दी। ब्लैक कलर के शिवलिंग जी है, और बाकी तो आप यहाँ पे आके देखिए भैया, एक बार दर्शन बनते हैं, एक बार नहीं बार बार दर्शन बनते हैं। तो चलिए जी चलते हैं
भगवान एकलिंग जी को बाय बाय करते हैं और आगे लेके चलते हैं आपको सास बहु का मंदिर। एक फनी चीज ये है भैया, सास बहु तो लोगों ने नाम रख दिया, वैसे सहस्त्र बाहु नाम था उनका जो मंदिर का था ना, और विष्णु जी के अवतार के हिसाब से था उनका। अभी खास बात यह है, चलिए आगे चल के बताता हूँ आपको मंदिर पे चल के। तो गाइस अभी जो सामने तालाब आया ना, यहाँ पर हमारे पिताजी ने बताया मेरा गांव मेरा देश कोई पिक्चर है, मतलब पुरानी पिक्चर ही है। शूटिंग थी यार, यहाँ पे शूटिंग थी ना बाबा। कौन सा गाना था? क्या बात है, सेम जगह सेम लोकेशन पे। पापा कितने साल हो गए होंगे पिक्चर को? हो गए 30-40 साल तो। और गाइस देखिए, उस समय आपको गाने में ये सेम छतरी खाली दिख रही होगी, लेकिन अभी गणपति बप्पा मोरिया आ गए भी अपने, इनका हक पहले है। हमारे पापा एक्चुअल में पहले जब मतलब पहले बोले तो हम लोग नहीं हुए थे, तब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। हर पिक्चर हर उसका डायरेक्टर पूछ लो इनसे, कोई भी गाना सुना के हीरो का नाम पूछ लो, मतलब काफी नॉलेज है इनको। गाइस एक चीज मैंने देखी है, हर जगह की अपनी एक वाइब होती है भैया, मतलब आप कहीं पर भी जाओगे ना तो कुछ तो आपको नयापन दिखेगा ही दिखेगा। मतलब इधर घूमने का अपना मजा है, देखिए हिमाचल वगैरह उधर का तो वाइब भी अलग है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है जहां हमें एक या दो दिन का टाइम मिलता है तो अपना राजस्थान बला, जहां पे हम एक दिन में पहुंच सकते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवा सकते हैं। और ये चार सहेली आ गई जी बीचों बीच रोड पर, बोले आगे नहीं जाने दूंगी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए सास बहु मंदिर। बताओ सरकार ने भी सास बहु ही लिख रखा है, जो लोगों के जवान पे चढ़ जाए ना वो बढ़िया है। गाइस यहाँ पे देखिए रोड के किनारे चीकू के पेड़ लग रखे हैं, नीचे नीचे तो सबने तोड़ के फेंक दिए, मतलब अभी कच्चे ही है। और ये देखिए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए लग रखा है लेकिन अभी कच्चा है तो मतलब नहीं है तोड़ने से। और ये सामने आ गई जी मंदिर की मेन एंट्री, अब दिखाते हैं आपको अंदर ले जाके। मेरे हिसाब से यहाँ पर तो अंदर फोटोग्राफी अलाउ है क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको सास बहु का मंदिर। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन सच में इसका नाम यही है, लेकिन इसका रियल नाम है भाई सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र बाहु बोले तो भैया भगवान विष्णु जी के अवतार का है, मतलब उन्हीं के रूप में इनको देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोग बाग अपनी शॉर्टकट लैंग्वेज में सहस्त्र बाहु को सास बहु बोल बोल के इसका नाम ही सास बहु रख दिया है। इसलिए रख दिया क्योंकि फिलहाल इसके अंदर अभी कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है। जी हाँ सही सुना आपने, मतलब ये कि मंदिर का स्केलेटन ढांचा बचा है केवल, लेकिन यह है करीब 1100 साल पुराना मंदिर और एक बार देखना बनता है। एकलिंग जी आते हैं वहां से सीधा 1.5 किलोमीटर आगे आइए, जो झील मैंने अभी आपको दिखाई थी उसके जस्ट किनारे पर ही मंदिर है, मतलब बना हुआ है। और एक बार देखिए आप पीछे, पूरा मुगल काल में इसे भी तोड़ने की योजना थी, योजना नहीं मतलब कोशिश की गई थी, लेकिन आधा अधूरा है। देखो ये वाला पिछला मंदिर तो काफी हद तक टूटा हुआ है, मतलब इसको वापस बनाया करा कैसे क्या इतना इतिहास तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पता है मैंने आप लोगों से शेयर किया है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए गाइस जितने भी मंदिर है ना ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं, कोई भी यहाँ पे भगवान विराजमान नहीं है। इसको वापस मतलब क्यों स्थापित नहीं किया गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए काफी भव्य मंदिर बन रखे हैं और ऊपर की डिजाइन देखिए आप। मतलब 1100 साल पहले भी देखिए यार कैसे ये नक्काशी करी होगी, कैसे इतनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई होगी ये देखिए। और इनके जो जॉइंट होते थे गाइस वो ब्लॉक के हिसाब से फिट करते थे, एक के अंदर एक, एक के ऊपर एक पत्थर रख के। और ये देखिए मतलब खंडित कर दिया, या किस किन लोगों ने करा वो तो नहीं पता, पहले के करे हुए हैं या अभी के लोगों ने करे हैं पता नहीं कुछ भी। तो गाइस देखिए इधर कितनी शानदार वाली नक्काशी कर रखी है, मैं वाइड एंगल में दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए आप। मतलब कोई सोच सकता है यार 1100 साल पहले ऐसी नक्काशी। अब तो खैर आधी से ज्यादा मूर्तियां तोड़ दी गई है, खंडित कर दी गई है, बाकी देखिए देवी देवताओं की इनकी। और इस साइड देखिए जी एक गेट टाइप कुछ बना रखा है, काफी बड़ा है भाई। अब लेके चलते हैं आपको सबसे जो मेन सबसे बड़ा मंदिर जो मुझे दिखा है ना यार, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और सच बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब ये आप लोगों को ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बिना भगवान के ना भले ये मंदिर हो ये भी बहुत डरावना लग रहा है। ये देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं सामने अगर कोई भी भगवान होते ना, मतलब इस जगह की वाइब अलग होती।
लेकिन भैया अभी तो यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा मेरा, काफी ज्यादा हॉरेबल लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। मतलब अगर तरीके से देखो ना, हाँ। तो अपने राजस्थान में भी बहुत पुरानी पुरानी जगह है, बहुत बनाना बड़ी बात नहीं है, बिना मशीनों के पता नहीं कैसे 1100-1100 साल पहले ऐसा कुछ बनाया, मतलब बहुत गजब चीज है। तो गाइज 100% रिकमेंड है यहाँ पे। अगर देखो, आपने देखा होगा पीछे प्री वेडिंग शूट्स वगैरह काफी चलते हैं यहाँ पर, तो आप शूट के हिसाब से आओ, लेकिन एक बार आना जरूर भाई, बहुत ही सही वाइब है इस जगह की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज हमारा दिन भर का जो भी हमने आपको एक्सप्लोर किया है सब कुछ पसंद आया होगा। ये मतलब एक जनरल ट्रिप है, इसे आप ये समझिए अगर आप कभी उदयपुर आते हैं तो एज ए ट्रैवल गाइड भी आप हमारे वीडियो को यूज ले सकते हैं, और बाकी तो हमारा जो एंजॉयमेंट है हम आप लोगों के साथ अपने परिवार के साथ शेयर कर लेते हैं। 2 से 3 हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के सदस्य भी मिले, एक को तो शायद मैंने शूट भी किया था, और बाकी जगह कैमरा अलाउ नहीं था। काफ़ी खुश है भाई, हमें बहुत खुशी मिलती है अगर आप लोग हमसे मिलते हैं और हमें पहचानते हैं इतनी भीड़ में, और इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो भैया इधर दर्द भरे गानों के साथ हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, मैंने अपनी नहीं बनवाई है, 3 चाय ऑर्डर करी है, थोड़ा बहुत इधर उधर से 1-2 घूंट होके अपना काम हो जाएगा, क्योंकि चाय अभी गर्मी में इतनी चाय मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस करीब 30 मिनट के सफर के बाद हम लोग वापस श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा पहुंच चुके हैं, और आते ही देखिए जी क्या लाइटिंग कर रखी है, क्या बात है जी। गेट देखो कितना भव्य गेट है गाइस, देखिए बहुत ही गजब भाई, बहुत ही गजब। तो दोस्तों हम थोड़ा फ्रेश अप होने लग गए थे, थोड़ा आपको पता है होटल के रूम में जाते हैं ना रेस्ट वाले मोड में आ जाते हैं, तो अभी बज रही है रात की 9, और यहाँ पर ढूंढते हैं कोई आसपास ढाबा स्थल, मतलब हमें कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करना है। लोकल तो वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, कोई गुजराती थाली हो या कुछ ऐसा हो ना देखेंगे, नहीं तो फिर जो नॉर्मल खाना अपने को खाना है वो खाते हैं। हाजी क्या ऑर्डर करा? पंजाबी थाली भाई, ऑर्डर करने तो गुजराती थाली आए थे, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट डिशेज मीठी मीठी थी, तो हमने रिस्क लेना उचित नहीं समझा, तो मामा जी ने, मम्मी ने और डुग्गू ने सबने पंजाबी थाली ऑर्डर करी है, अपना रेगुलर खाना। पापा की डाइट हमारे अलग चलती है, आगे चल के आपको बताऊंगा उनका क्या खाना पीना रहता है। और ये आ गई जी हमारी शाही थाली, पंजाबी थाली। तो एक बार बता देते हैं आपको, गर्मा गर्म चपाती हो गई, बढ़िया चपाती है। ये हो गई पनीर की सब्जी, ये दूसरी कौन सी सब्जी है? मिक्स वेज हो गई, दाल फ्राई हमेशा की जैसे, अचार हो गया, चावल हो गया, सलाद हो गया, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कुछ ज़्यादा ही दबा के खा लिया, पेट ऐसे धोंद की तरह निकल गया, भूख भी बहुत तेज लग रही थी, और खाना सच में बहुत टेस्टी था गाइस। कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, बढ़िया था ना। और कल मिलते हैं फ्रेश एनर्जी के साथ, नई जगह लेके चलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाथद्वारा, श्रीनाथ जी की पावन धरा। आज की सुबह बहुत ही स्पेशल है, क्यों? क्योंकि आज हम आपको लोकल फूड या का मतलब जो लोकल नाश्ता है ना नाथद्वारा का, वो एक्सप्लोर कराएंगे। भैया यहाँ पर आए और खाना पीना नहीं किया तो क्या किया? तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, पेट में थोड़ी जगह रखना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खिलाने वाले हैं। नाथद्वारा आने के बाद हम पे भी थोड़ा बहुत रंग चढ़ गया भैया, गमछा हमछा डाल लिया हमने वाइट एकदम, तो थोड़ा बहुत लगना चाहिए कि हाँ फील आना चाहिए अंदर से। तो देखिए सेठ जी भी तैयार, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं हमारे पापा और मम्मी भी वाइट, मतलब ये कोइंसिडेंटली अभी किसी को पता नहीं था कि हम तीनों व्हाइट पहनने वाले हैं, और मामा जी भी व्हाइट, बताओ एक डुग्गू ने व्हाइट नहीं पहना, बाकी ये कोइंसिडेंटली हुआ भैया। और पापा तो भैया सबसे जोरदार ही आज पापा लग रहे हैं, धोती कुर्ते में शानदार वाले। तो चलिए चलते हैं फटाफट चेकआउट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद लेके चलते हैं आपको नाथद्वारा की गलियों में। तो पापा और डुग्गू यहीं पे रुक रहे, क्योंकि उनको अभी नाश्ता अगर ऐसा करना नहीं, और पापा को भी पैदल इतना चलने का मूड है नहीं कुल मिला के, तो वो गाड़ी में रुकेंगे, आराम से छाया है गाड़ी में। और मामा जी और मम्मी और मैं भैया हम लेके चलने वाले हैं आपको आज स्पेशल नाश्ता कराने वाले हैं नाथद्वारा का। चलिए जी, तो समय की कमी है तो हमारी मम्मी और मामा जी ने बोला कि भैया चलो टुक-टुक में चलते हैं, ऑटो रिक्शा में चलते हैं। तो ऑटो वाले भाई साहब ने जहाँ पे उतारा वो है माणिक चौक, और यहीं पर आपको सब चीजें मिल जाएगी, मंदिर का रास्ता भी यहीं पर कटता है। तो सबसे पहले खाते थे यहाँ का फेमस कचौरी समोसा, क्या खाना है? सब प्रसिद्ध है यहाँ का, जिस हिसाब से भीड़ लग रही है। लीजिए जी, लीजिए, पकड़ो मम्मी पकड़ो, पहिया दो पैसे को पहिया बोलते हैं गाइस। वैसे तो प्याज की कचौरी हमारे जोधपुर की फेमस है राजस्थान में, लेकिन बी ऑनेस्ट यहाँ की भी टेस्ट कम नहीं है भाई, जबरदस्त है। तो चलिए जी अब मेन गली के अंदर लेके चलते हैं आपको, यहीं पे आगे जाके मंदिर आता है, और वो जो कल वाला चौराहा दिखाया था ना वो भी इधर से आएगा। ऑलमोस्ट सभी तरह की आपको यहाँ पे शॉप्स मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पर जो कॉटन के क्लोथ्स बिक रहे हैं ना लेडीज के, इनके काफी सस्ते हैं, 200-250-300 रुपए की रेंज के हैं। और यहाँ पर देखिए जी आते पूरी शिकंजी वगैरह, ये ठंडाई यहाँ पे लाइव ठंडाई मिलेगी आपको पूरी बनती हुई। भैया एक ठंडाई दे दो, ये
है। पहले मम्मी मना कर रही थी कि मेरे को नहीं पीनी है, भैया की स्टाइल और मेरा रिव्यू देख के कि भैया दो गिलास और ऑर्डर। मस्त है ना, नाथ द्वारा हो तो यहाँ की ठंडाई जरूर पीना गाइस। अच्छा ये नाम पढ़ लीजिए भैया का, दाऊ जी ठंडाई। इनका पूरा जोश इनकी ठंडाई में जरूर दिखेगा आपको। अभी ऐसी फीलिंग आ रही है सेम जैसे इंदौर के सराफा बाजार में घूमते ना हम, भैया चटोरों की गली है ये, लगी नहीं रहा नाथ द्वारा के अंदर घूम रहे हैं। बाकी ठंडाई कल वाली से मच बेटर है, मतलब कल वाली 50 रुपए के अंदर थी, 40 रुपए में भैया ने लाइव ठंडाई बना के दी है, बहुत ही शानदार वाली, और हमने एक छोटा डब्बा भी लिया ट्रायल के लिए। तो जब भी आओ भैया ठंडाई यही की रिकमेंड है। तो अब आ गए हम कल वाले मेन चौक पे और यहाँ पर भैया बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राई करेंगे पोहा। पोहा बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिख रहा है यहाँ पर, हर जगह इतनी भीड़ है। एक मिनट भाई, यहाँ पर पोहा लेना है ना युद्ध में जंग जीतने के बराबर है। 20 मिनट बाद नंबर आएगा, 20 मिनट बाद। कैसा मीठा है क्या? ज्यादा मीठा है? हल्का तो मीठा चलेगा क्योंकि गुजराती टच है ना इधर मोस्टली। मैं खा के बताता हूँ कैसा है। और बहुत तबाही वाली छींक मार दी भाई साहब ने। एटम बम। गाइस नॉर्मल पोहे से बहुत चेंज है, खट्टा मीठा टेस्ट है। अगर आपको खाने में मीठा पसंद नहीं है ना तो पहले कंफर्म करके ले कि भैया मीठा तो नहीं है ना ये चीज, क्योंकि मोस्टली मैंने देखी यहाँ पे मीठी ज्यादा चीज है। तो चौराहे से हम वापस आ गए कल वाले रस्ते पे, ये इसे बोलते हैं दिल्ली मार्केट। और यहाँ पर कोई फेमस दुकान है भैया फाफड़े की, यही लग रही है मुझे जिस हिसाब से नमकीन की वैरायटी वगैरह है। तो गाइस अब खिलाते हैं 110 साल पुरानी दुकान में आपको दूध जलेबी, जो कल हमारा बाकी रह गया था। और यहाँ पे लाइव जलेबी बन भी रही है, देखिए खा के बताते हैं कैसी है। लाइए जी, और ये हो गई जी दूध के साथ ही यहाँ की फेमस जलेबी, बहुत ही गर्मा गर्म है, अभी निकाल के दिए भैया ने, फुल गर्मा गर्म होगी, शानदार है ना भाई। कल से घूम रहे थे इसके लिए और इस दुकान के सामने से हम दो बार निकले, हमें पता ही नहीं ये वाली दुकान है। मस्त गर्मा गर्म। वैसे अपने राजस्थान में दूध जलेबी तो फेमस है वैसे। जलेबी कुरकुरी से हो चुकी है नरम, सारी अकड़ निकल चुकी है इसकी दूध में डूबने के बाद, और असली टेस्ट ही अभी आ रहा है। टेस्टी है। और एंड में बारी है जी रबड़ी की, 30 रुपए का एक दोना देते हैं भैया। और अभी तक तो सब कुछ शानदार था, दूध जलेबी भी। लाइए जब रबड़ी टेस्ट करते हैं यहाँ की। हाँ जी मम्मी जी, कैसा लगा? मजा आ गया, चकाचक उड़ा लिया भाई। एक चीज हमारी रह गई और अब पेट में जगह नहीं बची है, फाफड़ा। वो भी मोस्ट रिकमेंड चीज है भाई, यहाँ की लोकल बहुत फेमस है, लेकिन अब एक जो गाशा होता है ना उसकी भी जगह नहीं है पेट में। आप लोग जरूर ट्राई करना। ये देखिए गाइस, ये होता है फाफड़ा, इसको जरूर ट्राई करना जब भी आप आओ। तो अब आ गए जी हम माणक चौक, यहाँ से पकड़ते हैं 10-10 रुपए वाला ऑटो और सीधे पहुंचते हमारी धर्मशाला। तो गाइस देखिए, ये है अपने श्रीनाथ जी की मेन एंट्री, और रात को तो मैं दिखा नहीं पाया था, अभी देखिए कितना भव्य गेट है, करीब करीब 100 फुट ऊंचा होगा भाई, आराम से गजब बना रखा है भाई। एम जैसा दिखेगा आपको दूर से, या फिर उल्टा डब्लू समझ लो, वो गोवा वाला नहीं, धमाल पिक्चर में जो बताते ना उल्टा डब्लू के नीचे खजाना है, वो चीज नहीं है भाई, ये चीज अलग है, यहाँ पे अलग भक्ति का खजाना मिलने वाला है आपको। और वहीं पर सामने वो बोर्ड लग रखा है, वहीं पर हमारी धर्मशाला थी जो हमने ली थी। श्रीनाथ जी वाला व्लॉग यही पे एंड होता है, नाथ द्वारा और एकलिंग जी वगैरह जो भी दिखाया था। अब यहाँ से नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं आपको महाराणा प्रताप की पावन नगरी पे। Thank you.